नमस्कार, स्वागत है आपका इन बिसेन की खास पेशकश खास मुलाकात में। क्या इंसान आसमान में उड़ सकता है? उड़ सकता है अगर उसके अरमानों को अगर पंख लगा दिए जाए और वो ताकत हो मन के अंदर से। भले ही वो हम पंखों के द्वारा नहीं उड़े, लेकिन हमारे मन के पंखों से हम आसमान में जरूर उड़ सकते हैं। अब ये उड़ा कैसे जाए, तो एक ऐसे ही आसमान छूने वाले व्यक्ति आज हमारे जो है स्टूडियो में मौजूद है। जी हाँ, मैं स्वागत करता हूँ अल्पेश गज्जर जी का, जो कि मोदी केयर के कोऑर्डिनेटर हैं, बहुत ग्लोबल लीडर है और बहुत कुछ इनसे सीखा है, दुनिया ने सीखा है, नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों ने सीखा है, हमने भी बहुत कुछ इनसे सीखा है। तो इनकी आज तक की जो जर्नी रही है और किस तरह से, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि आसमान में उड़ने की क्षमता एक इंसान में कैसे आती है, वो हम इनसे जानना चाहेंगे। अल्पेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। अल्पेश जी, थोड़ा सा आपका अब तक का जो सफर रहा है उस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए, हमारे दर्शक आपको जानना चाहेंगे। देखो, मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ जी। नाउ आई एम स्टेइंग इन वडोदरा। ओके। और छोटे से गांव में मैं 20 साल मैंने गुजारे हैं, बड़ा हुआ था और काफी गरीबी में पैदा हुआ हूँ मैं जी। तो एकेडमिकली वाइज भी मैं फेल रहा अपनी लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं जंग जिंदगी की जो है वो जीतने में सफल रहा हूँ जी। और इसको सफलता नहीं बोलेंगे, बट इन टर्म्स ऑफ अगर हम फाइनेंस की बात करें तो मैं सफल हूँ जी। सफलता के मायने हर किसी के अपने अलग अलग होते हैं, और सफलता तो मैं समझता हूँ कि वो एक निरंतर प्रयास रहता है, कि वो सफलता जब भी हम पा लेते हैं तो दूसरी सफलता की सीढ़ी की तरफ हम अग्रसर होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग मोदी केयर से आप जुड़े और आपने खुद के साथ साथ में कई लोगों की जो है फाइनेंशियल सफलता की अगर हम बात करें तो उसमें आपने कई लोगों को हेल्प की, उनकी मदद की, तो ये सब आपने कैसे कर लिया? पहली बात तो डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग या मोदी केयर वॉट एवर, ये कैसी इंडस्ट्री है जहां कोई आना नहीं चाहता। बिल्कुल सही। स्पेशली जो सही हाई प्रोफाइल जिसे हम बोलते हैं, जिनके अंदर ज्यादा समझ है, ज्यादा एडुकेटेड है जी, वो लोग इनसे दूर रहते हैं ये कह के कि भी दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। यस। और मैं भी उनमें से कहीं एक था, बिकॉज जब मैं ये इंडस्ट्री में आया उससे पहले 14 ईयर मतलब 14 साल मैं ट्रेडिशनल बिजनेस कर चुका था जी। तो पीसीओ मशीन पे फोन्स रिटेल और होलसेल मेरा पेशा था जी। तो मेरा टर्नओवर, खुद का टर्नओवर 7-8 करोड़ की मेरी बैलेंस शीट बनती थी। तो 20-25 ईयरली 20-25 आदमी काम करते थे मेरे वहां। तो अब ऐसा आदमी जाके नेटवर्क मार्केटिंग करे ये पॉसिबल नहीं था जी। पहले तो लोगों के समझ में ये बात आएगी। हाँ, तो लेकिन कहते हैं ना कि जब ऊपर वाले को आपसे कुछ करवाना होता है तो जबरदस्ती करवाता है, और जहां चाह होती वहां रहा भी निकलता। एग्जैक्टली। तो कई बार हम लोग ये समझते हैं कि मतलब सपने बड़े थे, कुछ बड़ा करना था, नेम फेम चाहिए थी, रिस्पेक्ट चाहिए थी, मुझे अपनी पर्सनैलिटी में बहुत सारा निखार चाहिए था जी। तो कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहा था कहां से शुरू करूं, कोई कोचिंग शुरू करूं, ये करूं, वो करूं। पंच की जरूरत थी। कहते हैं ना कि विजुलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। करेक्ट। कि आप क्या सोचते हो वही आप बन जाते हो जी। तो बड़ा सोचते थे लेकिन रास्ता कहीं नहीं था। तो समवेयर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये मुझे लग रहा है इसलिए मेरी लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया जी। डायरेक्ट सेलिंग से पहले जो मेरा बिजनेस था वो कॉलेप्स हो गया बिकॉज ऑफ मोबाइल। पीसीओ मशीन पेफोन बेचना मेरा पेशा था तो जी, वो कॉलेप्स हो गया। और क्योंकि मोबाइल सस्ते हो गए तो लोगों ने पीसीओ पे जाना बंद कर दिया, जो आज अवेलेबल नहीं है। अब तो वो इतिहास बन गया है। बिल्कुल, वही इतिहास हमने बहुत बड़े ब्राइट अक्षरों में लिखा था लेकिन वो खत्म हो गया जी। तो कुछ करना चाहा, लेकिन कहते हैं ना कि काम करना एक आदत होती है, काम नहीं करना भी एक आदत होती है जी। तो मैं अपनी लाइफ में शायद जाने अनजाने में ज्यादा स्टाफ होने की वजह से मैं काम नहीं करने की आदत में फंस चुका था जी। और हुआ ये कि उसकी वजह से मैं कोई नया बिजनेस अगेन उठा नहीं पाया। हमेशा कहते हैं कि धंधा चलता नहीं है, धंधा चलाना पड़ता है। तो वो जो चलाने वाली बात है वो मैं ज्यादा बड़ा बॉस बन गया था तो मैं उसको धक्का नहीं मार पाया। तो स्टॉक मार्केट मुझे अच्छा लगा और शेयर मार्केट में मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग जिसे बोलते हैं वो स्टार्ट किया, और मैं काफी, मेरा नेचर ही अग्रेसिव है तो उसमें भी हमने अग्रेसिव दिखाया। तो बिना सीखे कोई कुत्ता है जो हालत होती है। तो मेरे पास 30-40 लाख कैपिटल थी, वो तो चली गई। एंड देन बैंकों की मेरे पास सीसी पड़ी हुई थी, वो भी खर्च हो गई। और इन शॉर्ट 1.5 से 2 करोड़ का मैंने कर्जा कर लिया, जिसमें 1.5 करोड़ के आसपास बैंक का कर्जा था। तो 13-14 बैंकों ने मेरे ऊपर केसेस किए, समन्स, वारंट। माय गॉड, मतलब इट वाज अ ड्रास्टिक पीरियड ऑफ योर लाइफ जी। एग्जैक्टली, मतलब मेरी जगह कोई होता तो उसका सर्वाइव करना मुश्किल था। बिल्कुल, आपने जो आंकड़ा बताया वो आंकड़ा, और वो आज से 12-13 साल पहले जी, उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़ जाते हैं।
तो उस वक्त मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। बैकग्राउंड पापा मम्मी ऐसे नहीं थे कि कोई जमीन जागीर बेच के मुझे बाहर निकाल ले, ऐसा कोई सोर्स नहीं था मेरे पास, खुद ही करना था। तो बस दिमाग में मुझे लगता है कि पहले तो सफलता तब मिलती है जब आपके अंदर एथिक्स होते हैं जी। तो मेरी चाहत जो थी पैसे लौटाने की जी, वो शायद मुझे आज यहां तक लेके आई जी। अदरवाइज उस वक्त मैं सरेंडर हो जाता या मैं इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर देता, तो मेरा तो आसान काम था, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी उसमें। लेकिन मैंने वो नहीं किया, मैंने सोचा नहीं मुझे ये सारी बैंकों को पैसे लौटाने हैं, किसी भी हाल में लौटाने हैं। तो मैं रास्ता ढूंढता रहा, और कहते हैं कि व्हाट यू सर्च वही आप फाइंड करते हो अपनी लाइफ के अंदर, जो जहां चाहा है वहां राह मिल जाती है, तो आप जो ढूंढते हो वही आपको मिलता है। तो अदरवाइज मैं अगर आपको अभी बोलूंगा कि आप भी 1.5-2 करोड़ कमा सकते हो जो मेरी इनकम आ रही है हर साल की, तो आप रिलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी वो आप उसके सर्च में नहीं हो अभी। तो जो चीज के हम सर्च में नहीं होते ना, वो हमें मिलती भी नहीं है या दिखती भी नहीं है, हमारे सामने होते हुए भी नहीं दिखती है। तो मुझे वो चीज दिखी डायरेक्ट सेलिंग में। मैं भरोसा नहीं करता जनरली, क्योंकि पूरी दुनिया भरोसा नहीं करती, मैं भी नहीं करता था, लेकिन मैंने कुछ प्रूफ मांगे जो मुझे दिए गए एज अ ह्यूमन टेंडेंसी। एग्जैक्टली। तो देखो कहते ना कि दूध का जला छाछ फूक के पीता है, लेकिन वो पीता है, तो हमने फूक के पिया थोड़ा जी। जी। तो डायरेक्ट सेलिंग में मैं आया, और आज मुझे डायरेक्ट सेलिंग में 12-13 साल हो चुके, और मोदी केयर के साथ मुझे 10 साल हो चुके जी। एंड मैंने 14-15 करोड़ रुपीज मैंने ग्रोस अर्निंग ली है अभी तक की। वाह क्या बात है अल्पेश जी। मोदी केयर में आने से पहले, मतलब आपने एक इस कंपनी को चुना है जिसका हम उल्लेख तो कर रहे हैं, कि जैसे हम शुरुआत करते हैं तो वहां पर भी लड़खड़ाते हैं, तो ये जो दौर था शुरुआती, तो शुरू करने के बाद में भी कभी ऐसी हिचक मन में है कि नहीं यार ये नहीं हो रहा है ऐसा कुछ? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा, बिकॉज मुझे ऐसा 50 बार हुआ, एक बार नहीं तो, लेकिन वो पहले 6 महीने में। बट आई ऑलवेज यूज माई कॉमन सेंस कि किसी और का हो रहा है तो मेरा होना चाहिए, मेरा ये मानना है, और बहुतों का हो रहा है तो मेरा डेफिनेटली होना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो मैं क्या करता था कि जब मुझे चाहत के हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलता था जी, तो मेरे पास समझने के 2 ऑप्शन थे, या तो नहीं हो रहा है उसका कारण ढूंढ लूं, या फिर मैं सीख लूं कि कैसे होता है। वही क्या हम कारण ढूंढे कि क्यों नहीं हो रहा है और उस पर अभ्यास करें, उस पर प्रयास करें। कारण एक बहाना भी तो हो सकता है, कारण एक बहाना, कारण बना लेते हैं और निकल भी जाते हैं जिसको नहीं करना है। भैया हमारे जैसे हम अभी नागपुर में बात कर रहे हैं राइट, तो नागपुर की जनता जो है ना वो दिस काइंड ऑफ जनता है, तो इसलिए यहाँ नहीं चलेगा, बोल दिया बस खत्म हो गया। मतलब आपका प्रिसाइज डिसीजन है। एग्जैक्टली, जिसको नहीं करना होता है उसके पास भी कारण तो होते ही है, लेकिन सीखने की बात कि कैसे होता है हमेशा। वही मैं डिफरेंशिएट कर रहा था कि आपके पास में कारण थे, लेकिन आपने उन कारणों के ऊपर अभ्यास करके उनको दूर, उन मतलब उन अड़चनों के ऊपर में काम करके मैं ऐसे रास्ता कैसे निकला। एग्जैक्टली। अब आप इस राह पर है जहां पर आपने खुद कहा कि आपने एक मुकाम हासिल कर एटलीस्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो है, तो अब इस दौर में आपने ये भी कहा है कि आपका एजुकेशन आप उस जो चाहते थे शायद उतना पूरा नहीं कर पा रहे, फिर आपने ये भी कहा कि कॉमन सेंस, मैं खुद भी सीखने की प्रयास कर रहा हूं इसलिए आपको ये सब पूछ रहा हूं कि एजुकेशन का लेवल और कॉमन सेंस का यूजेस, इसका कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन आपके हिसाब से क्या है? देखो पहले तो एजुकेशन मस्ट होना चाहिए, बिल्कुल, बिकॉज एजुकेशन विजन देता है, डिसिप्लिन देता है, आप फ्यूचर के बारे में सोच पाते हो, और सही और गलत के बीच में जो फर्क होता है वो एक एजुकेटेड व्यक्ति जल्दी समझ पाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे वहां एजुकेशन का मतलब नौकरी हुआ है कि अगर इतनी पढ़ाई की तो इतना पैसा मिलेगा, इसलिए लोग पढ़ाई करते हैं। खुद को मैच्योर करने के लिए, खुद को परिपक्व करने के लिए लोग पढ़ाई नहीं करते, ये प्रॉब्लम है, ये बहुत ही अहम चीज आपने। तो मेरा ये मानना है कि पढ़ाई लिखाई आपकी जिंदगी को जीने के लिए होती है, ना कि पैसे कमाने के लिए। जब भी विपरीत परिस्थिति आए तो आप कैसे हैंडल करते हो, उसमें पढ़ाई आती है। तो आप दूसरा क्या पूछा था आपने मुझे? मैंने ये पूछा था कि ये जो पढ़ाई और कॉमन सेंस, अब कॉमन सेंस आप देखोगे तो जैसे हम अभी नागपुर में बैठे हैं, ये मैं चैलेंज करता हूं जी, कि आप टॉप 10 जो मल्टी मिलियनर्स है नागपुर के आप निकालोगे ना, तो 10 में से 8 लोग होंगे जो अंडर ग्रेजुएट होंगे, आप ढूंढ निकाल लेना जी, ये पक्की बात है जी, क्योंकि सक्सेस को पढ़ाई से कोई लेना देना है ही नहीं एक्चुअली जी। अगर होती तो धीरू भाई अम्बानी रिचेस्ट आदमी बनके नहीं बनते,
मेरा सवाल पूछने के पीछे की मंशा भी यही थी कि क्या हम इन सब चीजों को कोरिलेट करते हैं। बेसिक एजुकेशन बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उस एजुकेशन का यूजेज जो है वो एक ऐसे डायरेक्शन में जिस मुकाम पर आप अब तक पहुंचे हैं, तो वो कॉमन सेंस जब आप उसमें जोड़ देते हैं। और एक और इसके पीछे की मेरी धारणा ये थी कि कहीं ना कहीं जिस दौर से हम गुजरते हैं वो दौर हमें जो अनुभव देता है उस अनुभव से भी वो कॉमन सेंस में बढ़ोतरी होती है। एग्जैक्टली, और जितनी ज्यादा ठोकरें खाते हो उतना और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जितना विपरीत परिस्थिति में चलते हो ना उतना ही आपकी मैच्योरिटी लेवल हाई होती है, और जितना आप कंफर्ट जोन में चलते हो उतना आप डिब्बे ही रहते हो, मेरा ही मानना है। नहीं बिल्कुल, आपका मानना बिल्कुल सही है। हाँ, तो कहने का मतलब सक्सेस अगर आप मुझे पूछो जी, तो दुनिया की सारी कॉलेजेस मैथमेटिक्स सिखाएगी, बायोलॉजी सिखाएगी, साइंस सिखाएगी, इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, व्हाटएवर, आप मुझे ऐसी कॉलेज दिखा दीजिए जहां सफल बनना सिखाते हो। नहीं, ये ऐसा कोई कॉलेज है ही नहीं, और ये है कॉमन सेंस। ये है कॉमन सेंस, जो कॉमन सेंस को अगर आप उस कॉलेज के साथ साथ में अपने अनुभव के आधार पर अगर आप सीखे तो शायद आप सफलता के मायने भी समझे, सफलता की ओर अग्रसर भी। और ब्लेमिंग गेम ना खेले ऑलवेज, अगर आप हार की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हो जी तो शायद आपको रास्ता मिलता है उससे निकलने का। लेकिन जिस दिन आप हार की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के ऊपर छोड़ देते हो, चाहे वो माता पिता हो सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो सकती है, चाहे वो एनवायरमेंट हो सकता है, चाहे वो कोई इंसिडेंस हो सकता है, चाहे कोविड हो सकता है जी, तो ये समझ लीजिए आपने अपने आपको कमजोर बना दिया। बिल्कुल, लेकिन आपने ये सोचा कि नहीं, इससे भी मुझे निकलना है, किसी भी हाल में निकलना है, और ये मेरी गलती है, मैं जहां कहीं भी हूं मेरी लाइफ में, तो फिर आपको रास्ता मिलता है। तो कहीं ना कहीं जब आप उस निराशा के दौर में थे तो निराशा को आपने अपने ऊपर में हावी नहीं होने दिया जी। तो क्या ये यही वजह थी कि आपने कॉमन सेंस भी यूज किया और एक अपना एग्रेशन भी जो आपके स्वभाव में मूल का था जी, उसको आपने थोड़ा सा एडवांटेज दे दीजिए। क्योंकि जब हम निराशा के दौर से जाते हैं तो ये चॉइस हमारा होता है कि क्या मैं निराशा को चॉइस करूं या मैं लड़ाई को चूज करूं। मेरा ऐसा है सर कि मुझे किसी ने आज से कई साल पहले जब गूगल हम लोग यूज करना सीखे तब मुझे किसी ने बोला था कि इफ यू वांट टू डू समथिंग यू प्लीज सर्च इन द गूगल, इफ समवन डूज यू कैन डू। मतलब कोई एक कर सकता है तो आप कर सकते हो, ये मेरे दिमाग में बैठ गया था। तो जहां मैं जिस कंपनी में हूं, यहां मेरी एक सीनियर है डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी, सी इज अर्निंग एट दैट टाइम 50 लाख रुपए उनकी महीने की इनकम थी जी। और ऐसे मैंने कई लोगों को देखा जो 5-10 लाख रुपए कमा रहे हैं। दैट मींस, अच्छा ऐसा देखा और सुना मैं मानता नहीं हूं, मैंने चेक किया है। मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि ये कोट पहन के झूठ बोलने वाले भी इतने ही होते हैं कि भैया मेरी लाइफ ऐसी है, लाइफ ऐसी है। ये आपने जो बात कही ना, मैं आपको इसलिए रोकूंगा क्योंकि आपने जो नागपुर की जनता की बात कही है तो नागपुर की जनता नेटवर्क मार्केटिंग से काफी धोखे भी खा चुकी है जी। आप शायद इत्तेफाक पूरे देश की जनता, हाँ, तो वो इसलिए जो है ना, और आप मैं भी आपसे बात करता रिसर्च करने के बाद ही बात जी। तो उसमें जो सच्चाई है, जो आपके प्रयास है, वो कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट करते हैं जी, है ना। तो आपने जो कोट की, ये बहुत सच्चाई होनी चाहिए, वो ताकत होनी चाहिए की बातों में जो कि जो बता रहा है। मैं अंदर से अभिभूत हो रहा हूं कि मैं एक ऐसे इंसान के साथ में बैठा हूं कि उसने अपनी जिंदगी में इतना स्ट्रगल करके आज यहां तक पहुंचा है, जो एक मिरर इमेज दे रहा है लोगों को। देखो, मैंने इनकम चेक की किसी की, बैंक स्टेटमेंट चेक किया, तो आप मेरा फेसबुक चेक करोगे ना जी, तो उसमें मेरी पोस्ट में हर साल की इनकम रहती है जी। बिल्कुल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का 26 ईयर्स रहता है, ताकि लोगों को समझ में आए भैया ये शैंपू साबुन पाउडर बेच के हमने कमाए तो आप इसको बिजनेस और मल्टी मिलियन बिजनेस समझिए। बिल्कुल, हाँ, धोखेबाज भी होते हैं, झूठ बोलने वाले भी होते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की सच्चाई ये है कि मोदी के जैसी भी कंपनियां है जो मतलब पूरे देश को रोजगारी दे सकती है, उतनी ताकत है। बिल्कुल, अब लेनी नहीं लेनी, मेहनत तो हर इंसान को करनी पड़ेगी, वो आपका जी। और हमारे देश में अभी भी अंडर रेटेड है डायरेक्ट सेलिंग जी, ये आप जानते हो, क्योंकि यूएस जैसा कंट्री, चाइना जैसा कंट्री 2-2.5 लाख करोड़ का टर्नओवर करता है, उसके सामने हम 20,000 करोड़ पे साल का। इसका मतलब अपने अगर हम पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में अगर देखें तो काफी कम है, हमारा 10 लाख होना चाहिए अगर उसका 2.5 लाख का है तो, और हम 98% माइनस चल रहे हैं। तो यही वजह है कि लोग डरते हैं या वो सोचते कि ये मेरा काम ही नहीं है। ये लोगों का ही दोष है सर, ये लोगों ने ही पैसे इन्वेस्ट किए और कंपनी बंद हो गई। इन्वेस्ट इसलिए किए क्योंकि वो पसीना बहाना नहीं चाहते थे जी। इन्वेस्ट इसलिए किए कि जो समझाने आया था उसने ये समझाया कि बैठे बैठे पैसा आएगा। बिल्कुल, और उसको बड़ा प्यारा लगता है। बिल्कुल, अगर अल्पेश गज्जर जाएगा उनको बोलेगा भाई डेमो किट लेनी है, प्रोडक्ट शेयर करनी है, डेमोस्ट्रेशन करना है, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेना है, तो
दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, यस, तो इमीडिएट उसका स्टेटमेंट बदल जाता है। अगेन फिर वही बात आती है कि जो जिन लोगों ने ऐसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है उनका एजुकेशन और कॉमन सेंस में कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ, शायद ये रिजल्ट है और उसके तरफ एक नेगेटिविटी जो है वो डेवलप हो रही है। तो कहीं ना कहीं इंसान की फितरत होती है कि जो चीज बैठे बैठे मिलती है ना वो आदमी लेट के मांगता है। बिल्कुल, और दैट्स व्हाई ये लोग ज्यादातर ऐसी कंपनियों में जाते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो फ्रॉड कंपनियां आई, अगर आप उनका एक एक साल का टर्नओवर देखोगे लोगों से पैसा लेने का, तो मोर देन 25,000 करोड़ एक कंपनी का एक साल में। एक साल, अब मोदी के जैसी जेन्यून कंपनी 27 साल में टोटल टर्नओवर उसका उतना नहीं होगा इन 27 इयर्स। आप सोचिए इसका रीजन क्या है, क्योंकि लोग बैठे बैठे पैसे कमाना चाहते हैं, और फिर यही लोग नेगेटिव भी होते हैं, यही लोग ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं एंटी नेटो मार्केटिंग के, कि कुछ भी करना लेकिन ये कोर्ट वाले की बातों में मत आना, मेंबर वाले लोगों की बातों में मत आना, ऐसी मीटिंग में मत जाना, ये घोड़े गाड़ी के सपने दिखाते हैं, इनको नहीं पता मेरे पास जैगुआर है, मेरी टीम में 2 मर्सिडीज है, 2 जैगुआर है, ऑडी है, 2 BMW है, दैट मीन्स मेरी टीम के अंदर आई है। और आप ये नहीं मानोगे उसमें 400 कार्स आ चुकी है अभी तक मेरी टीम में, 70% महिलाओं ने खरीदी है जी। तो इसका मतलब है कि ये सक्सेस स्टोरी जो है इट्स मल्टीप्लाइंग, कितनी ज्यादा है। यहाँ आप जहां बैठे नागपुर में वहां भी BMW आई है, क्या बात? और लोग बोलते हैं तुम शैंपू साबुन पाउडर बेच रहे हैं तो बेचो ना, BMW की बात क्यों करते हो। अरे भाई हिंदुस्तान लीवर क्या कर रहा है, शैंपू साबुन पाउडर बेच रहा है, बाबा रामदेव क्या कर रहे हैं, शैंपू साबुन पाउडर बेच रहे हैं। तो इनका जब थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का टर्नओवर है और ये मेबैक में बैठ के जा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं जा सकते यही टर्नओवर करके। बस ये डिफरेंट तरीके से सोचने की जरूरत है। एग्जैक्टली अल्पेश जी, एक अहम सवाल मैं आपसे इसलिए पूछना चाहता हूं कि आपने अपने अड़चनों पर मात करके एक दिशा पकड़ी, आपने एक ऐसा बिजनेस चुना डायरेक्ट मार्केटिंग का जहां आपको लगा कि हाँ ये मेरा, दिस इज माय कप ऑफ टी जी। अब ये करते करते उसी क्षेत्र में लीडर बनना, तो ये जर्नी, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे, ये कब आपको लगा कि हाँ यार मैं तो लीडर भी बन सकता हूँ और फिर मैं इतने सारे एक ऐसी टीम बना सकता हूँ जैसा जिनके पास में BMW ऑडी जैसी गाड़ियां। मुझे लगता है सर लीडर की जहां तक बात है ना, वो कुछ चीजें आपके अंदर इनबिल्ट होती है। जब आप, मैंने कहीं पढ़ा था किसी महान व्यक्ति ने बोला था कि अगर आपके सपने पूरे करने हो ना तो आप लोगों के सपने पूरे करने में कंट्रीब्यूट कीजिए, आपके सपने डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर बात है। तो मैं पहले तो इस चीज में नेचुरली मानता था, इसलिए नहीं मेरे सपने पूरे करने हैं, अगर किसी का भला होता है तो मुझे वैसे भी अच्छा लगता है। तो पता नहीं जब मैं, आप देखिए मेरा पहला बिजनेस क्या था, तो पीसीओ मशीन था जी। वो भी लोगों को रोजगारी देता था। बिल्कुल, हम 20-25 हजार की मशीन बेचते थे, वो आदमी महीने का 15-20 हजार रुपया मिनिमम कमा लेता था। बिल्कुल, आप सोचो। तो मुझे पहले तो ये चीजें अच्छी लगती थी। रही बात पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की कोई बुक्स आपको इतना नहीं सिखा सकती जितना लोग आपको सिखाते हैं। बिल्कुल, और ये बिजनेस में आपको रोज नए नए लोगों को फेस करना पड़ता है, और ये लोग आपको, मतलब सिंपली मैं उसको मजाक वाली लैंग्वेज में बोलता हूं कि ये लोग आपको कल्लू से कालिया बना देते हैं। तो आप एकदम टफ और पावरफुल बन जाते हो। तो मैं, एक समय था जब 5-10 लोगों के सामने मैं खड़े होकर बात नहीं कर सकता था, आज 5-5 हजार लोगों की मैं ट्रेनिंग देता हूं और स्टेडियम में लगता होगा आपको, और कुछ भी नहीं, मतलब मुझे लगता है कि तब मेरे पांव थिरकते थे, अब वो 5 हजार के पांव थिरकते हैं, मैं बैठा मैं खड़ा रहता हूं बस जी। बिल्कुल, ये फर्क है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ये ऑटो मोड पे है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और अच्छी इंसानियत और अच्छी फितरत के साथ में काम करता है, उसके साथ ये चीजें होती ही होती है। बिल्कुल, अपने प्रयासों में अगर हम ईमानदारी अगर जोड़ दें और उन प्रयासों को एनहांस करने की कोशिश करें, तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि हम बिल्कुल आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। चलते चलते अल्पेश जी, आपको एक यंग क्लास में देख रहा है, वो भी लोग देख रहे हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनको राह सामने पड़ी है, जैसा कि आपने कहा कि हम कई बार हम देखना नहीं चाहते उन चीजों को जो हमारे आसपास में होती है, तो क्या हम उनको ऐसा कोई विजन बता सकते हैं, दे सकते हैं, कुछ प्रयास हम उनके लिए कर सकते हैं कि वो इन सबसे जुड़े, कुछ फाइनेंशियली स्ट्रांग हो या अपनी जिंदगी में कुछ वो ऐसा कर पाए? बीइंग अ लीडर आप क्या कहेंगे? देखो, सक्सेस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी, और वो सबको उठानी पड़ेगी। और अगर कोई ये चाहता है कि मुझे सक्सेस भी बनना है और कंफर्ट जोन में बनना है, मुझे टेबल और चेयर वाली जॉब चाहिए एंड आई वॉन्ट टू बी अ सक्सेस, तो ये पॉसिबल नहीं है, सबके लिए नहीं है। शायद आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल हो या आप कुछ किसी चीज में, टेबल चेयर पे आप परफेक्ट बैठते हो तो एक अपवाद केस में आप ले सकते हो, वरना देयर इज अ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। और जब भी, मतलब अगर मुझे फिट भी बनना है तो मुझे सुबह उठना पड़ेगा, मुझे जॉगिंग करना पड़ेगा,
मुझे खाने की इच्छा होगी गोल गप्पे की और पकौड़े की, लेकिन मुझे सलाद ही खाना पड़ेगा, मुझे फ्रूट्स ही खाना पड़ेगा। ये सबको अकल है कि हमें जो मन को अच्छा लगता है अगर वो हम करते रहेंगे तो हमारे जीवन में जो अच्छा लगता है वो हमें नहीं मिलेगा, लेकिन जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है वो हम करते रहेंगे तो फिर हमें जो जीवन में चाहिए वो चीजें मिलेगी डेफिनेटली। तो कहीं ना कहीं मैं इसको बोलता हूँ सेल्फ डिसिप्लिन, जिसमें अगर हम शुद्ध हिंदी में समझाएं तो अपने आप के साथ जबरदस्ती करना, अपने आप के साथ अपने आप को धक्का मारना, अपने आप के मन को, मन का गुलाम ना बन के मन का मालिक बनना जी, और मन को वो बोलना कि मैं जो बोल रहा हूँ वो तू कर, तुझे करना पड़ेगा। तेरी इच्छा है मैच देखने की, मैं नहीं देखूंगा। तेरी इच्छा है मूवी देखने की, मैं मोटिवेशनल वीडियो देखूंगा। तो आप जिंदगी चुनाव का परिणाम है, आपके पास 24 घंटे, मेरे पास 24 घंटे है, मैं सुबह उठ के क्या चुनता हूँ यहीं से मेरी लाइफ का सफर स्टार्ट होता है। तो सक्सेस चॉइस है, ये डिफॉल्ट नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि बाय लक मिल जाती है, चॉइस है, जानबूझ के ही आती है। अनजाने में किसी को सक्सेस मिल गई उसको लॉटरी कहते हैं, और लॉटरी हमारे देश में चलती नहीं है नहीं, बाय द वे राइट। बाकी आपको जानबूझ के लेनी पड़ेगी, आपको प्लान करना पड़ेगा। आपके लाइफ में आपके गोल बड़े स्पष्ट होने चाहिए, मुझे अपने लाइफ में करना क्या है, मुझे क्या चाहिए, पहले क्या चाहिए और कहाँ जाना है। जब आप डिसाइड करोगे, जैसे मुझे अभी पता चले मुझे दिल्ली जाना है, तो मैं ढूंढूंगा कि फ्लाइट कितने बजे है, अगर मेरी बजट अलाउड नहीं करती है फ्लाइट की टिकट तो बस कितने बजे है, ट्रेन कितने बजे है। मैं तब सर्च करूंगा रास्ता जब मुझे जाना होगा। यहाँ प्रॉब्लम ये है, हमें बचपन से ये मेंटालिटी दी जाती है कि एक बच्चा आज भी 5-10 रुपया मम्मी पापा से मांगेगा तो वो अच्छी तरह से मना कर सकते हैं या दे सकते हैं, लेकिन करते क्या है हम लोग, बड़ी होके कमा के देख पता चलेगा, पैसे पेड़ पे नहीं उगते पूरी लाइफ। छोटे बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में पैसा हवा है, पैसा कमाना हवा है, ये डाला जाता है, एंड दैट्स रॉन्ग, ये होना नहीं चाहिए एक्चुअली। मैं सबको, अगर यंगस्टर्स देख रहे हैं, मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूं, पैसा कमाना आसान है अगर आप मेहनती और ईमानदार हो। बिल्कुल सही बात कही है। अल्पेश जी हमारे साथ में थे जो कि मोदी केयर के ग्लोबल लीडर हैं, और उन्होंने जो कहा उसका सार मैं अगर आपको बताऊं तो सपने सच होते हैं लेकिन सपने देखने की जरूरत है और ईमानदारी से उनको पाने के लिए प्रयास करना जरूरी है। अगर हम ये सब करते हैं तो कोई भी सक्सेस जो है हमारे करीब आने से नहीं रह सकता। अल्पेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे दर्शकों से और हमसे बात करें। थैंक यू सो मच।